महात्मा गौतम बुद्ध ने बताएं, मात्र एक नियम का पालन करने से तुम्हारी शरीर की अभी तक की जितनी भी बीमारियां हैं वह सभी खत्म हो जाएंगी और आगे फिर कभी तुम्हें कोई बीमारी नहीं होगी। वह नियम कौन सा है, चलिए जानते हैं कहानी के माध्यम से। एक बार एक गुरु जो कि आयुर्वेद के बड़े ही झांता थे, वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। अब आपको तो पता ही है कि पहले प्राचीन समय में किताबें नहीं हुआ करती थीं। गुरु अपने सभी शिष्यों को बिना किताबों के ही ज्ञान दिया करते थे और वह ज्ञान आज हमें किताबों में भी नहीं मिलता है। ऐसे में वह गुरु उन सभी शिष्यों को कह रहे थे कि बच्चों, क्या आप सभी लोगों को पता है कि हम लंबे समय तक स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? तो उनके शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हमें पता नहीं है, लेकिन आप हमें इसके बारे में विस्तार से बताइए। तब गुरु ने कहा कि एक छोटा सा नियम है जो हमें अनेकों बीमारियों से दूर रखता है और हम लंबे समय तक जवान रह सकते हैं। जो भी व्यक्ति इस नियम का पालन करता है वह वृद्धावस्था में भी युवा दिखाई पड़ता है, उसके चेहरे पर तेज रहता है, उसकी त्वचा में एक चमक रहती है, वह हर समय ऊर्जा से भरपूर रहता है। और जो व्यक्ति इस नियम का पालन नहीं करता है वह भरी जवानी में ही वृद्ध दिखाई देने लगता है। उसके बाल सफेद हो जाते हैं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, त्वचा रूखी रूखी हो जाती है और वह हमेशा थका थका महसूस करते हैं। इसलिए आज जो मैं तुम्हें नियम बताने वाला हूं उसे तुम बड़े ही ध्यान से सुनना, क्योंकि यह एक छोटा सा नियम आपके पूरे जीवन को बदल सकता है। तभी एक शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, क्या वह नियम सरल है? क्या उसे हम सभी आसानी से अपना सकते हैं? शिष्य की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले, हां, यह नियम बहुत सरल है और इसे हर व्यक्ति अपना सकता है। तुम भी अपना सकते हो, यह नियम बहुत आसान है, बस तुम्हें इसका ठीक से पालन करना आना चाहिए। तभी वह शिष्य बोला कि गुरुदेव, लेकिन वह नियम क्या है? तब गुरु ने बताया कि वह नियम है, हमें रात में भूखा सोना चाहिए। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा गया और गुरु से बोला कि गुरुदेव जी, आप क्या कह रहे हैं? भूखा सोना है? मुझसे तो इस नियम का पालन नहीं होगा, क्योंकि देखो, मैं तो भूखा नहीं सो सकता हूं। शिष्य की बात सुनकर गुरु फिर मुस्कुराए और बोले, पहले तुम मेरी पूरी बात तो सुनो, तुम इस पूरे नियम के बारे में तो समझो। मैं तुम्हें यह थोड़ी कह रहा हूं कि तुम सुबह भोजन करो और इसके बाद भोजन ही ना करो और रात को भूखे सोने जाओ। फिर गुरु ने सभी शिष्यों से कहा, अब आप सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और फिर गुरु ने बताना शुरू किया, अब तक आपने अपने जीवन शैली में जो भी बदलाव किए हैं, जिन नियमों का पालन किया है, उन सभी में से जो आज का नियम है वह महत्वपूर्ण है। यह आपको बहुत अधिक लाभ देगा। यह नियम कोई कठिन नियम नहीं है, आप सरलता से इसका पालन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको इस बारे में पता होना चाहिए, हमारे शरीर में एक प्राण शक्ति होती है जो हमारे सभी कार्यों को सम्मानित करती है। जैसे कि जब हम भोजन करते हैं तो वह प्राण शक्ति हमारे भोजन को पचाने में लग जाती है। हम कोई दिमाग का कार्य कर रहे होते हैं तो उस समय वह प्राण शक्ति उस दिमागी कार्य को ठीक तरीके से संचालित करने में लग जाती है। जब हम दौड़ रहे होते हैं तो दौड़ते समय भी हमारी जो प्राण शक्ति है वह कार्य करती है। वह प्राण शक्ति हमारे शरीर के हर कार्य को संपादित करती है। लेकिन यहां पर एक बात समझने वाली यह है कि प्राण शक्ति केवल एक समय में एक ही कार्य कर सकती है। अगर आप भोजन करते हैं और भोजन करने के तुरंत बाद अगर आप कुछ गहरी सोच में पड़ जाते हैं तो आपके पाचन तंत्र पर इसका प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो प्राण शक्ति है वह पूरे तरीके से पाचन पर लग ही नहीं पाती है, उसे तो आपने बांट दिया है। प्राण शक्ति का काम था कि जो भोजन आपने खाया है वह उसको पचाएं, लेकिन आप तो गहरी सोच में डूब गए और प्राण शक्ति को एक नया काम मिल गया। अगर आप भोजन करने के बाद कोई शारीरिक परिश्रम करना शुरू कर देते हैं या फिर तेज तेज चलना शुरू कर देते हैं तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्राण शक्ति जो पूरी तरह से पाचन पर लगती थी वह अब आपके तेज चलने पर खर्च हो रही है। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद बहुत तेज नहीं चलना है, नहीं तो आपकी प्राण शक्ति आपके तेज चलने की तरफ आकर्षित हो जाएगी। इसीलिए आपको भोजन करने के बाद धीरे धीरे ही टहलना है। इसके बाद गुरु ने उन शिष्यों को कहा कि यह तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य कर सकती है, लेकिन जब आप देर रात में भोजन करते हैं, देर से आप खाना खाते हैं तो पता है क्या होता है? इससे हमारे शरीर पर तीन प्रभाव पड़ते हैं।
अब आप सभी इन तीन प्रभावों को ठीक से समझो। पहला प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जो आपकी जठराग्नि होती है वह सूर्य के साथ काम करती है, यानी कि जैसे जैसे सूर्य का उदय होता है तो आपकी जो पाचन अग्नि है वह बढ़नी शुरू हो जाती है। दोपहर में वह बढ़ जाती है और संध्या काल में वह थोड़ी मंद पड़ जाती है। इसीलिए संध्या काल में हल्का भोजन करें और यही ठीक रहता है। और आपको यह भी ध्यान रखना होता है कि आपको शाम का भोजन सूर्य अस्त होने से पहले ही कर लेना है। अगर सूर्य अस्त हो गया तो आपकी जो जठराग्नि है वह बिल्कुल कम हो जाएगी, और उस मंद जठराग्नि में जब आप भोजन करते हैं तो वह भोजन ठीक से नहीं पचता है। अगर आपने सात्विक भोजन भी किया होगा तो वह भी नहीं पचता है, क्योंकि उस समय है शरीर में जो टूट फूट होती है उसकी मरम्मत में वह प्राण शक्ति लगनी चाहिए। लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं और सो जाते हैं, जो कि बहुत गलत है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि प्राण शक्ति एक समय में एक ही कार्य करती है, लेकिन जब आप खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी यह प्राण शक्ति पूरी तरह भोजन को पचाने में लगी रहती है, और इस वजह से वह हीलिंग का कार्य जो है वह नहीं कर पाती है, शरीर की मरम्मत नहीं कर पाती है। और जब वह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है, यानी कि आप खाते हैं और सो जाते हैं, तो फिर बहुत सारी बीमारियां शुरू होने लग जाती हैं, क्योंकि आपके शरीर की मरम्मत हो नहीं पाती है, आपकी प्राण शक्ति ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाती है, वह हीलिंग का मरम्मत का कार्य नहीं कर पाती है, और इसी वजह से अनेक बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तीसरा प्रभाव जो हमारे शरीर पर पड़ता है वह यह है कि जब आप भोजन करने के तुरंत बाद सोने चले जाते हैं तो आपका दिमाग कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए, और आपका शरीर भी यही कहता है कि मुझे तो नींद चाहिए। लेकिन आपका पाचन तंत्र क्या कहता है, क्या अभी मैं सक्रिय हूं, मुझे तुमने काम दिया है, अब इस काम को मुझे करना है, तो आप भी जागते रहोगे, तभी तो मैं अपना कार्य ठीक से कर पाऊंगा। यानी कि दो विरोधाभास स्थितियां पैदा हो जाती हैं, दिमाग की तरफ से तो सो जाओ और पेट की तरफ से जागो। ऐसी स्थिति में नींद गहरी नहीं हो पाती है, और गहरी नींद ना होने के कारण शरीर को आराम भी नहीं मिल पाता है। आप सो तो जाते हैं 7 घंटे या 8 घंटे, लेकिन सुबह उठने में आपको कठिनाई होती है, आप दिन भर ऊर्जावान महसूस भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रात भर प्राण शक्ति ठीक से शरीर की मरम्मत शरीर की हीलिंग का काम नहीं कर पाई। आपकी जठराग्नि आपकी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन तंत्र पर केंद्रित रही, उसने पूरी रात भोजन को पचाने में ही अपना समय दिया, और फिर जैसे आप सुबह उठते हैं तो उठते ही फिर कुछ खा लेते हैं, और इसी वजह से बार बार खाने से हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से पाचन पर ही लगी रहती है, और शरीर के दूसरे कार्य मंद पड़े रहते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत जरूरी थे। ये तीन प्रभाव थे जो हमारे शरीर पर पड़ते हैं अगर आप सूर्य अस्त होने के बाद भोजन करते हैं और भारी भोजन खाते हैं, तो इससे आपकी पाचन प्रणाली पूरी तरह से बिगड़ जाती है, खत्म हो जाती है, और फिर आप इसे ठीक करने के लिए जुड़ लेते हैं, अनेक प्रकार के तरीके अपनाते हैं, तब भी यह ठीक नहीं हो पाती है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रण है उस पर तो आप ध्यान ही नहीं देते हैं। स्वाभाविक प्रणाली जो परमात्मा ने आपको दी है, जिससे आपका शरीर खुद ही खुद को साफ कर लेता है, खुद ही खुद की बीमारियों को ठीक कर लेता है। फिर गुरु सभी शिष्यों से कहते हैं कि अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, शरीर अपनी बीमारियां अपने आप ठीक करेगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें क्या करना है, इस बात को समझो। इसके लिए आपको शाम 6 बजे से पहले अपना आहार लेना है। अगर आप शाम 6 बजे से पहले भोजन कर लेते हैं तो उसके बाद आप 9 से 10 बजे तक सोने के लिए जाते हैं, तो आपके पास लगभग 3 घंटे का समय होता है, और जो यह 3 घंटे का समय होता है और इसमें जो भी आपने हल्का फुल्का भोजन किया है वह आपके पेट से नीचे उतर शुरू हो जाता है, और उसका अर्ध भोजन ठीक से पच भी जाता है। यानी कि आपने 7-8 बजे भोजन किया तो आपका आधा भोजन 10 बजे पच गया, और जो बचा वह रात्रि के 1 बजे तक पच गया, और 1 बजे के बाद जो आपकी प्राण शक्ति है वह मरम्मत का कार्य करेगी, वह हीलिंग का कार्य करने लग जाएगी। फिर गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि आपकी प्राण शक्ति अपने कार्य को ठीक तरीके से करे, उसके लिए आप 2 तरीकों से भूखे रह सकते हैं। मैं आपको उपवास करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उपवास करना सबके लिए संभव नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं उसको कहा जाता है अर्ध उपवास, या इसे प्रातकालीन उपवास भी कहते हैं। इसमें आपको उपवास करना है।
वह उपवास आपको 16 घंटे का करना होता है और इसकी शुरुआत आप ऐसे कर सकते हैं कि आपने शाम को जो भोजन किया था 7 बजे, उसके बाद अगले दिन आप 7 बजे ही भोजन करें, क्योंकि जब आप 7-8 बजे भोजन कर लेते हैं तो वह भोजन आपका रात्रि में 1 बजे तक पच जाता है। उसके बाद आपके शरीर के पास लगभग 6 घंटे होते हैं और इस 6 घंटे में प्राण शक्ति शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। आप शाम को 7-8 बजे भोजन करें और उसके बाद सुबह 7-8 बजे भोजन करें, और यह नियम हर कोई अपना सकता है। यह बिल्कुल सरल है, लेकिन अगर आप रात को 8-9 या फिर 10 बजे भोजन खाते हैं तो आप अपने इस नियम को बदले और 7-8 बजे भोजन शुरू करें, क्योंकि यह छोटा सा नियम आपके जीवन में बड़ा बदलाव करेगा। दूसरी सारी चीजें बाद में, पहले अपने शरीर के स्वाभाविक प्रणाली को ठीक करना है। अगर आपको इस नियम से और भी ज्यादा फायदा लेना है तो आप शाम को 7-8 बजे भोजन कीजिए और उसके बाद सुबह 11 बजे भोजन करिए। अगर आप 7 से 11 बजे भोजन करते हैं तो आपके शरीर के पास 16 घंटे होते हैं जिसमें वह भोजन का पाचन भी करेगा और उस भोजन को पचाने के बाद वह रिपेयरिंग का काम करना भी शुरू कर देगा। इस प्रकार से जब आप अपने शरीर को आराम देते हैं, पाचन तंत्र को रिलैक्स होने देते हैं, प्राण शक्ति को अपना कार्य करने देते हैं, तो यह प्राण शक्ति आपके पूरे शरीर को प्रभावित करेगी, पूरे सिस्टम को ठीक करेगी और आपको यह प्रभाव 15 से 20 दिन में दिखना शुरू हो जाएगा। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है तो वह ठीक होना शुरू हो जाएगी। अगर आपकी त्वचा खराब है तो वह भी ठीक होने लगेगी, आपकी त्वचा ग्लो करेगी। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ते हैं तो आपके बाल भी मजबूत होंगे, और अगर आपके बाल सफेद हो चुके हैं तो वह भी धीरे धीरे काले होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप बहुत थका थका महसूस करते हैं तो आप ऊर्जावान महसूस करने लगेंगे। अगर आपको कोई मानसिक समस्या है, चिंता है, तनाव है, तो आपकी चिंता और तनाव भी दूर हो जाएगा। जो विद्यार्थी पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता है, तो उन्हें भी पढ़ी हुई चीजें जो हैं वह याद रहने लगेगी। आपको पता है कि हमें कोई चीज याद क्यों नहीं रहती है? क्योंकि हमारा दिमाग रिलैक्स नहीं रह पाता, क्योंकि हमारी प्राण शक्ति पूरी तरह से हमारे भोजन को पचाने में ही लगी रहती है और वह दिमाग की तरफ जा ही नहीं पाती है। लेकिन आप इस नियम का पालन करेंगे तो आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी, दिमाग कोई भी कार्य अच्छे से करना शुरू कर देगा। अगर आप 10 घंटे का उपवास कर सकते हैं तो आपके शरीर का फैट कम होगा। अगर आप वजन बढ़ाना भी चाहते हैं तो आपका वजन भी बढ़ेगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा फैट होता है वह कम हो जाएगा, क्योंकि मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। यह नियम आपके लिए हर प्रकार से उपयोगी है। तभी गुरु की बात सुनकर उनमें से एक शिष्य खड़ा हुआ और उनसे बोला कि गुरुदेव, मेरे मन में 2 प्रश्न उठ रहे हैं, कृपया करके आप उनका भी जवाब दीजिए। गुरु ने कहा कि पूछो बेटा, तुम्हारा क्या प्रश्न है? तब शिष्य ने कहा कि गुरुदेव, अगर हम शाम को 7 बजे भोजन करते हैं, उसके बाद हम 10 बजे तक सोने जाते हैं, तो अगर हमें भूख लगे तो हम क्या करें? शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा कि बेटा, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा, हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका का एक सिस्टम होता है। वह बाहर से कैलोरी लेती है जो हम भोजन खाते हैं, उससे वह ऊर्जा का निर्माण करती है और उसी से हमारा शरीर भी चलता है। लेकिन अगर कोशिकाओं को निरंतर बाहर से आहार मिलता रहता है तो उसी से वह निरंतर ऊर्जा बनाती रहती है। लेकिन जब आप कुछ समय तक भोजन नहीं करते हैं और बाहर से कोशिकाओं को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में कोशिकाएं अपने अंदर जो वेस्ट मटेरियल पड़ा रहता है, उससे ही, चाहे वह गलत तरीके का प्रोटीन ही क्यों ना हो, कोई बैक्टीरिया ही क्यों ना पड़ा हुआ हो, वह उनका अवशोषण करके ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देती। इस स्थिति में कोशिकाओं की सफाई होना शुरू हो जाती है और इस प्रक्रिया में यह होता है कि जो कोशिकाओं के अंदर एक संरचना होती है जिसे लिसोसोम कहा जाता है, लिसोसोम के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं और यह एंजाइम जो वेस्ट मटेरियल कोशिका के अंदर है उसका पाचन करके उससे ऊर्जा का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। यानी कि आपकी कोशिकाएं जब उसे बाहर से ऊर्जा नहीं मिलती है तो वह अपने अंदर के वेस्ट मटेरियल को इकट्ठा करके उसी से ऊर्जा बनाती है, और इसी तरीके से हमारे शरीर की डिटॉक्स प्रणाली भी शुरू हो जाती है। और यह डिटॉक्स प्रणाली आप कुछ खाकर या कोई भी औषधि लेकर शुरू नहीं कर सकते हैं। यह डिटॉक्स प्रणाली जो है वह एक ही तरीके से शुरू हो सकती है, और वह यह है कि जब आप कुछ समय तक आहार नहीं लेते हैं। दिन में पूर्ण उपवास करना लोगों के लिए संभव नहीं होता है,
कठिन पड़ता है, लेकिन आप इस नियम में अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं। तो अगर आप 16 घंटे का नियम अपनाते हैं, शाम को 7 बजे भोजन करके अगले दिन 7-10 बजे या फिर हो सके तो 11 बजे भोजन करते हैं, तो इससे भी आपको कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इस समय भी आप अधिकतर समय सो ही रहे होते हैं और उसके बाद आप अपने सुबह के नियम और प्रक्रिया में लगे रहते हैं, जिससे समय निकल जाता है, आपको भूख का एहसास नहीं होता है। फिर गुरु ने शिष्य से कहा कि बेटा, अगर आपको 7 बजे खाना खाने के बाद भी भूख लगती है तो आप उस समय नारियल पानी ले सकते हैं, क्योंकि यह आपकी डिटॉक्स प्रणाली में कोई बाधा नहीं बनता है। इसके साथ आप एक कार्य कर सकते हैं जिससे कि आपकी भूख पर प्रभाव भी पड़ेगा और जो आपकी डिटॉक्स प्रणाली है वह भी बेहतर होगी। दोस्तों, जब हमारा मस्तिष्क अच्छे तरीके से काम करता है तो ही हम अच्छा सोच पाते हैं और जीवन में अच्छे अच्छे बदलाव भी ला पाते हैं। और जीवन में अगर आपको बड़े फैसले लेने हैं, मुश्किल हालातों से निपटना होता है, तो हमें मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी में हर पल अच्छा ही होता रहे और आप तभी खुश रहे। कभी कभी आपकी जिंदगी में ऐसे वक्त भी आएंगे जहां पर आपको भारी मुसीबतों का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में कई बार होता है कि इंसान मुसीबतों का सामना करते करते अपने मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते अपने जीवन से हारने लगता है, लेकिन वहीं पर जो इंसान मानसिक रूप से मजबूत होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से अपने कठिन समय से बाहर जरूर निकल आते हैं। एक बार एक बौद्ध महात्मा आश्रम में अपने शिष्यों को दिमाग के ऊपर कुछ प्रवचन दे रहे थे। गुरु कह रहे थे कि इंसान के मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे होते हैं। अच्छे विचार जब उसके दिमाग में जन्म लेते हैं तो वह अच्छी और कल्याणकारी बातें सोचता है, लेकिन वहीं पर अगर बुरे और गलत भावनाएं जन्म लेती हैं तो उससे उसका पतन होता है। तभी उन्हीं में से एक राजवंत नाम का शिष्य खड़ा होता है और गुरु से पूछता है कि गुरुवर, क्या कुछ ऐसा तरीका आप बता सकते हैं जिससे कि हम अपने मस्तिष्क को मजबूत और ताकतवर बना सकते हैं, खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सके। गुरु कहते हैं कि अवश्य मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कुछ बातें बता रहा हूं जिसे तुम लोग ध्यानपूर्वक सुनना, तभी जाकर के हम बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने, तभी तुम सब इस बात को बड़ी ही आसानी से समझ पाओगे। गुरु कहते हैं कि जब भी हम कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वह विचार हमारे मस्तिष्क में जन्म लेते हैं और उसी के अनुरूप हमारा पूरा शरीर कार्य करने लगता है। मान लो कि आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप बिल्कुल शिथिल होते चले जाते हैं, आपके शरीर की ऊर्जा कम होने लगती है, लेकिन वहीं पर अगर आप कुछ उत्साह भरी बातें सोचते हैं तो आपके शरीर के अंदर असीमित ऊर्जा बहने लगती है, आप वाकई में ऊर्जावान दिखाई देने लगते हैं। आप यह अनुभव खुद कर पाएंगे कि जब आप खुश होते हैं तो आपके शरीर के अंदर बहुत ऊर्जा आ जाती है, आपका रोम रोम खिल उठता है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने दिमाग में कुछ जोश भरी बातें सोची। शरीर तो वही है आपका, लेकिन जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर बिल्कुल ऊर्जा विहीन हो जाता है, लेकिन जब आपके विचार जोश भरे वाले होते हैं तो आपका शरीर खिल उठता है। यानी हमारा शरीर किस तरीके से काम करेगा, यह सब हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न हो रहे विचारों पर निर्भर करता है। अब तुम सबको मेरी बातें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएंगी। अब हम बताने जा रहे हैं कि मानसिक रूप से हम मजबूत कैसे बने। गुरु कहते हैं कि मैं तुम सबको 8 तरीका बताऊंगा। अगर आप उन 8 तरीकों को अपने दिमाग में लाएं, वैसा ही सोचते हैं, तो यकीन मानिए आपका शरीर भी वैसा ही काम करने लगेगा। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं कि जब आप दुखी होते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा विहीन होने लगता है, लेकिन जब आप खुश होते हैं, आपके दिमाग में अच्छा विचार आया और आप खुश हो गए, तो आपके शरीर में अच्छी ऊर्जा बहने लगती है। इसका मतलब यह है कि अगर हम वह 8 तरीके जान लें और वही हम अपने दिमाग में सोचें तो हमारा शरीर भी ऊर्जा और जोश से भर जाएगा, अर्थात हम मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे। और वहां में जब आप मानसिक रूप से मजबूत बन जाएंगे तो आप मुश्किल हालातों का सामना बड़ी ही आसानी से कर लेंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मानसिक रूप से मजबूत बनने का पहला नियम है, जो हो चुका है उसकी परवाह करना छोड़ दो। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, मुझे यह बताओ कि सूर्य किस दिशा में उगता है। तो सभी शिष्यों ने एक साथ जवाब दिया कि गुरुजी, सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है। फिर गुरुजी ने कहा कि अगर मैं यह कहूं कि सूर्य पश्चिम दिशा से निकले
तो क्या वह निकलेगा? सभी शिष्य कहते हैं कि बिल्कुल नहीं गुरु, सूर्य तो पूर्व दिशा से ही निकलेगा, हम उसके स्थान को उसके जगह को बदल नहीं सकते हैं। फिर गुरु कहते हैं कि मान लो बारिश का मौसम है और अगर मैं यह बोलूं कि बारिश बंद हो जाए तो क्या हमारे बोलने से बारिश बंद हो जाएगी? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर, वह तो मौसम में बदलाव की वजह से होगा, जब मौसम में बदलाव होगा तो बारिश बंद हो जाएगी। फिर गुरुजी कहते हैं कि अगर मैं तुम लोगों से यह कहूं कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़ने लगे तो ऐसा होने वाला तो नहीं है? शिष्य कहते हैं गुरु और आप ठीक कह रहे हैं, यह कभी नहीं हो सकता कि ठंडी के मौसम में गर्मी पड़े और गर्मी के मौसम में ठंडी पड़ने लगे, ये मौसम तो प्रकृति पर निर्भर करता है जो कि हमारे वश में नहीं है। फिर गुरु कहते हैं कि ठीक उसी प्रकार अगर जो चीज हमारे वश में नहीं होती है या जो बातें घटनाएं बीत चुकी हैं, अगर हम उन घटनाओं को लेकर के बार बार परेशान होते रहेंगे या उसकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो क्या हम भूतकाल की घटनाओं को बदल सकते हैं? शिष्य कहते हैं कि नहीं गुरुवर। फिर गुरु कहते हैं कि अगर तुम उन बीती घटनाओं को लेकर के बार बार चिंता में रहोगे और उस चीज की परवाह करोगे तो तुम परेशान होते चले जाओगे, इसीलिए तुम्हारी जिंदगी में जो घटित हो चुका है कोशिश करो उसे भुलाने की, और उसका एकमात्र तरीका है कि आप अपने आने वाले समय पर, आने वाले भविष्य पर, आने वाली चीजों पर अपना ध्यान केंद्रित करिए। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का दूसरा नियम है ध्यान करने की आदत डालें। गुरु कहते हैं कि गौतम बुद्ध जब सत्य की खोज में निकल पड़े थे तो उन्होंने बहुत सारे उपाय किए, बहुत सारे कर्म कांड किए, लेकिन उन कर्म कांडों की वजह से उन्हें बहुत ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ और उनका शरीर दुबला पतला होता चला गया, लेकिन वह सत्य की खोज करने में असमर्थ रहे। उनके गुरुओं ने उन्हें बहुत सारे कर्म कांड उपाय बताए, लेकिन उन कर्म कांड का कोई मतलब नहीं हुआ। अंत में जब भगवान गौतम बुद्ध स्वयं ध्यान की अवस्था में बैठे तो धीरे धीरे ध्यान की गहराइयों में जाकर के उन्हें वह सारी चीजें लगने लगी जिस चीज की वह खोज में निकल पड़े थे। ध्यान के जरिए वह अपने सभी विचार पर विजय पा लिए, उन्होंने पापी मार्ग को पराजित किया, काम वासना पर विजय पाई, अपनी हर एक भावना पर वह विजय पा लिए, और यह सब तभी हुआ जब वे ध्यान की गहरी अवस्था में बैठे और कई दिनों तक ऐसे ही बैठे रहे। ध्यान करने से हमारा मन और मस्तिष्क बहुत ही शांत हो जाता है, जिसे कि अगर हम किसी वस्तु पर या किसी के बारे में या किसी चीज के बारे में जब विचार करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान उसी पर केंद्रित रहता है, हमारा दिमाग ज्यादा इधर उधर भागता नहीं है और हम चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जो आपको हर तरीके से आपके दिमाग को मजबूत बनाता है। बौद्ध भिक्षु अगर किसी बात पर ज्यादा जोर देते हैं तो वह ध्यान की प्रक्रिया पर ध्यान में कई घंटे तक बैठे रहते हैं, जिससे उनका दिमाग बहुत ही शांत रहता है, उनका मन बहुत ही शांत रहता है, और जिसका मन शांत रहता है वही किसी भी चीज पर अच्छी तरह अच्छी तरीके से विचार कर सकता है, अर्थात वह मन और मन मस्तिष्क दोनों से मजबूत होता चला जाता है। ध्यान करने से आपकी सारी वासनाएं आपके नियंत्रण में रहेंगी, आप अपनी इच्छा अनुसार अपनी वासना को अपने वश में किए रहेंगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का तीसरा नियम है बहुत ज्यादा किसी से उम्मीद मत रखना। गुरु ने कहा कि तुम सब अपनी मर्जी से जन्म लिए हो, अपनी मर्जी से ही गर्भ का चुनाव किए हो, लेकिन इंसान जन्म लेने के बाद वह यह सब भूल जाता है कि उसे क्या करना क्या नहीं, वह किस लिए जन्म लिया था, और जन्म लेने के बाद वह तमाम तरह की वासनाओं से ग्रसित हो जाता है। इस संसार की मोह माया में वह बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, वह खुद को जान ही नहीं पाता, वह खुद को भूल जाता है, और यही वजह रहती है कि वह तरह तरह के लोगों से अपनी बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा बैठता है। उम्मीदें दुख का कारण बनती है, जिस भी व्यक्ति वस्तु से आपकी उम्मीदें ज्यादा बढ़ जाएंगी। आने वाले समय में सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से मिलने वाला है, क्योंकि उम्मीद जहां होती है दुख भी वहीं पर होता है, क्योंकि आप किसी से बहुत ज्यादा उम्मीद लगा लिए और वह व्यक्ति आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं होता रहा तो सबसे ज्यादा दुख आपको उसी से होने वाला है, क्योंकि जब उम्मीद टूटती है तो दुख बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इस सांसारिक, इस भौतिक जीवन में बहुत ज्यादा उम्मीद और बहुत ज्यादा मोह किसी भी व्यक्ति से मत करना। तभी एक शिष्य उठ खड़ा होता है और कहता है कि हे गुरु, हम बिना उम्मीद से
बिना आशा से कैसे जी सकते हैं। हम सबके मन में रहता है कि मुझे यह चीज करनी है, मुझे वह चीज करनी है, मुझे जीवन में ऊंचाइयों को हासिल करना है। बिना उम्मीद के तो हम लोग जीवन में आगे बढ़ ही नहीं सकते। गुरु ने कहा कि कुछ पाने की लालसा, कुछ बड़ा बनने की लालसा जीवन में जरूर आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कुछ बड़ा बनने के लिए लालसा खुद से होती है, ना कि किसी व्यक्ति वस्तु विशेष से। मैं यहां पर लोगों के बारे में बात कर रहा हूं कि अगर तुम ये सोचो कि मेरा दोस्त मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या मेरे लिए मेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, या आप जो सोचे वह सामने वाला इंसान आपके लिए वैसा करे, तो यह सभी चीजें बहुत ज्यादा उम्मीद और मोह को बढ़ावा देती हैं। बहुत ज्यादा उम्मीद किसी से मत रखना। खुद से उम्मीद रखोगे तो दुख बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन अगर दूसरों से उम्मीद रखोगे और वह उम्मीद पूरी नहीं हुई तो दुख बहुत ज्यादा होगा। कई बार होता है कि माता पिता जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाए, वह चाहते हैं कि वह चीज उनके बच्चे हासिल करें। वह सारा भार अपने बच्चों पर ला देते हैं, बच्चे उनके हिसाब से चले, वह उनकी उम्मीदों को पूरा करे। उन्होंने ने जो अपने जीवन में हासिल नहीं कर पाया वह काम अब उनके बच्चे करे। और लगभग लगभग इस समय तो सभी के माता पिता यही कह रहे हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो अपने बच्चों को आजाद रखते हैं। मेरी सभी से गुजारिश है कि अपनी उम्मीदों का पहाड़ अपने बच्चों पर न थोपें। गुरु कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत होने का चौथा नियम है कि पहली बार में ही किसी काम में फेल होने से डरो मत। गुरु आगे कहते हैं कि शिष्यों, अगर डर तुम पर हावी हो जाएगा तो तुम अवश्य असफल हो जाओगे। अपनी जिंदगी में वह इंसान सबसे ज्यादा असफल होता है जिसे अपने लक्ष्य को पाने का डर रहता है। अगर डर तुम्हारी जिंदगी में बढ़ गया तो तुम्हें वह असफलता की तरफ जरूर ले जाएगा, क्योंकि डर तुम्हारे आत्मबल को, तुम्हारे आत्मविश्वास को डगमगा देगा, कमजोर कर देगा, और तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा, तो तुम निश्चित ही अपने लक्ष्य को पाने में असमर्थ महसूस करोगे, और यही असमर्थता तुम्हें असफलता की तरफ ले जाएगी। इसलिए जीवन में जब तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ो तो मन में किसी भी चीज की शंका मत रखो कि मैं फेल हो जाऊंगा, अगर यह नहीं हुआ तो यह हो जाएगा। ये सब बातें अपने दिमाग में मत लाओ, क्योंकि यह सभी बातें आपको डर की तरफ ले जाएंगी, और जब डर बढ़ेगा तो तमाम शंका आपके दिमाग में पैदा होगी। आपको घबराहट भी हो सकती है, आपको नींद नहीं आएगी, रात को बेचैन होने लगेगा, क्योंकि आपका डर आपको असफलता की तरफ ले जा रहा है। और जब असफलता का विचार आपके दिमाग में आएगा तो आप और ज्यादा डरने लगेंगे। इसलिए जीवन में जब आप लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाओ तो मन में कोई शंका मत रखो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम करने पर ध्यान दो। जब तुम काम करने पर ध्यान दोगे तो तुम कभी डरोगे नहीं, क्योंकि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम कर रहे हो। उसके लिए जुट गए हो तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, और जब डर खत्म हो जाएगा तो तुम जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि पांचवा नियम है मानसिक रूप से मजबूत बनना, वह यह है कि जिंदगी में कभी भी खुद को कोसो नहीं। गुरु कहते हैं कि जो इंसान जितना ज्यादा संघर्ष करता है वह उतना ही मजबूत बनता चला जाता है। जितना ज्यादा तुम मजबूत बनोगे उतना ही ज्यादा तुम काबिल होते चले जाओगे। इसलिए अगर तुम किसी भी चीज में असफल भी हो जाते हो, या कोई चीज तुम्हारी इच्छा के अनुसार नहीं हुई, या तुमने कुछ ऐसा कार्य किया जैसा नहीं करना चाहिए था, और इन सब बातों को लेकर के अगर तुम पछता रहे हो, खुद को कोस रहे हो, तो ये तुम्हें मानसिक रूप से कमजोर करता चला जाएगा, क्योंकि खुद को कोसना बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। यह आपके दिमाग की क्षमता को कम कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति को कम कर देगा, आपके आत्मबल, आपके आत्मविश्वास को कम कर देगा। इसीलिए जीवन में कभी भी किसी भी कार्य के लिए खुद को कोसना नहीं, क्योंकि अगर वह कार्य तुमसे नहीं हुआ है, या जो तुम सोच रहे हो वह जिंदगी में नहीं कर पाए, तो इसका मतलब यह नहीं है कि तुम असफल ही हो गए। अगर मैं ये कहूं कि यह सामने वाला आम का पेड़ है, इस पर सबसे पहले कौन सा जानवर चढ़ेगा? हाथी चढ़ेगा, बंदर चढ़ेगा, या फिर गिलहरी, और या फिर शेर? तो सभी शिष्यों ने कहा कि गुरु, इस पर तो गिलहरी और बंदर सबसे पहले चढ़ जाएंगे। तभी फिर गुरु कहते हैं कि तो अगर यह हाथी सोचें कि मैं इस पेड़ पर नहीं चढ़ पाया, अगर वह खुद को कोसने लगे तो क्या यह सही है? शिष्य ने कहा कि गुरुवर, यह तो गलत बात है, क्योंकि हाथी तो कभी भी पेड़ पर चढ़ ही नहीं सकता।
हाथी तो पेड़ पर चढ़ने के लिए बना ही नहीं है। गुरु कहते हैं कि ठीक इसी प्रकार हर एक व्यक्ति का काम करने की कला का दिमाग का अलग अलग महत्व होता है। कोई किसी कार्य में माहिर होता है तो कोई किसी कार्य में, बस हमें इसी को समझने की जरूरत होती है। जरूरी नहीं कि दुनिया के लोग जैसा कर रहे हैं तो तुम भी वैसा करो। तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से कार्य को करो। अगर तुम अपनी प्रतिभा के हिसाब से करोगे तो तुम उसमें जरूर सफल हो जाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का छठा नियम है, अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद मत करो। गुरु कहते हैं कि तुम सबके अंदर अभी बहुत ऊर्जा है, कभी भी अपनी ऊर्जा को गलत कार्यों में, गलत लोगों पर बर्बाद मत करना, क्योंकि अगर तुम अपनी ऊर्जा को बर्बाद करोगे तो वह तुम्हें बर्बादी की तरफ ले जाएगी। इसीलिए अपनी ऊर्जा को अपने लक्ष्य में लगाओ, क्योंकि अभी तुम सबके पास बहुत ज्यादा ऊर्जा है। अगर तुम सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य पर जुड़ जाओगे तो तुम जरूर सफल हो जाओगे, लेकिन अगर तुम ऊर्जा को गलत जगह पर लगा रहे हो तो तुम्हारी ऊर्जा बिखरने लगेगी, और जब ऊर्जा बिखरने लगेगी तो तुम कभी भी अपने लक्ष्य की प्राप्त नहीं कर पाओगे। गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का सातवां नियम है, सुनो सबकी लेकिन करो खुद की। अपने मन की गुरु कहते हैं कि शिष्यों, पहले ध्यान से तुम यह पता करो कि तुम्हारे अंदर कितनी क्षमता है। अगर तुम सबको अपनी क्षमता के बारे में पता है तो तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करो। भले लाखों लोग तुमसे यह बोले कि तुम इस कार्य को नहीं कर सकते हो, उस कार्य को नहीं कर सकते हो, तो तुम कभी भी उन पर भरोसा नहीं करना या उनके हिसाब से मत चलना, क्योंकि शरीर तुम्हारा अपना है। तुम्हें खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही जान पाओगे, कोई दूसरा तुम्हारे बारे में तुमसे ज्यादा नहीं जान पाएगा। तुम सबको अपने अपने बारे में पता होगा, अपनी अपनी क्षमता के बारे में पता होगा कि तुम इस कार्य को या किसी भी कार्य को कैसे कर सकते हो। कोई किसी कार्य को बहुत जल्दी कर सकता है तो कोई थोड़ा समय लगा सकता है। ये सब बातें तुम सबको खुद के बारे में सबसे ज्यादा तुम ही को पता होगी, इसलिए तुम्हारे अंदर जो क्षमता है अपनी क्षमता के हिसाब से ही अपने कार्य का चुनाव करो। और जब तुम अपनी क्षमता के हिसाब से कार्य को करोगे, खुद के अंदर की आवाज को सुनोगे, तो तुम जीवन में जरूर आगे जाओगे। कई बार होता है कि लोग खुद की क्षमता को पहचानते ही नहीं, जैसा दूसरे लोग कह रहे हैं वह वैसा ही करने लगते हैं और अपनी जिंदगी का ढेर सारा समय यूं ही बर्बाद कर देते हैं। उनसे ऐसा काम करने को कहा गया था तो वह भी वैसा ही काम करने में जुट गए, बिना सोचे समझे ही उनकी क्षमता कितनी है या उनकी प्रतिभा उस कार्य में है कि नहीं। तो ऐसे लोग कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि जो इंसान अपनी खुद की क्षमता को नहीं पहचान पाएगा वह जीवन में कभी भी सफलता अर्जित नहीं कर पाएगा। यह शरीर तुम्हारा है, यह दिमाग तुम्हारा है, सोचने से समझने की शक्ति भी तुम्हें ही तय करनी है। तो पता होना चाहिए कि तुम्हारा शरीर कितना मजबूत है, कितना ताकतवर है और इसमें कितनी क्षमता है। और अगर क्षमता नहीं है तो अपने शरीर की क्षमता को बढ़ाने की कोशिश करिए और खुद के अंदर की खुद की भावनाओं को सुनने प्रयास करिए और अपनी क्षमता के हिसाब से आगे बढ़िए। फिर गुरु आगे कहते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने का आठवां नियम है, बोलना कम करो और अपने कार्य पर ध्यान दो। गुरु आगे कहते हैं कि जो इंसान बहुत ज्यादा बोलता है वह अपनी ऊर्जा को यूं ही नष्ट करता रहता है, क्योंकि जो बोलता ज्यादा है वह सोचता कम है, क्योंकि उसने अपनी सारी की सारी ऊर्जा बोलने में खपत कर दी तो वह कैसे सोचेगा, क्या उसे सोचने का समय ही नहीं मिल पाया। लेकिन जो इंसान कम बोलता है उसे सोचने का समय ज्यादा मिल जाता है। और जब तुम किसी बात पर या किसी तत्व पर ज्यादा विचार करोगे तो जाहिर सी बात है कि तुम्हारे दिमाग में तमाम विचार आएंगे और वह विचार ही तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएंगे। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, अगर मैं तुमसे कुछ सवाल पूछता हूं तो सबसे पहले तुम सोचते हो, तुरंत बोल तो नहीं देते, लेकिन अगर कोई यहां बैठा है और वह अपने साथी से बात कर रहा है, अपने दूसरे गुरु भाइयों से बात कर रहा है, तो वह कभी हमारी बात पर ध्यान नहीं दे पाएगा। और जब हम प्रश्न पूछेंगे तो उसका गलत जवाब वह दे देगा, क्योंकि वह बोलने में अपनी ऊर्जा व्यर्थ कर रहा है, वह हमारी तरफ तो ध्यान दिया ही नहीं। लेकिन जो शिष्य शांत हैं, हमारी बात को ध्यान से सुन रहा है, तो वह सोच विचार करके पूर्ण तरीके से उत्तर देगा और उसके उत्तर भी सही होंगे। इसलिए शिष्यों, कम बोलने का अभ्यास करो। जब तुम कम बोलने का अभ्यास करोगे तो तुम किसी भी बात पर, किसी भी तथ्य पर ज्यादा विचार कर पाओगे, तो जाहिर सी बात है कि समस्या का समाधान जरूर निकल कर आएगा।
और कम बोलने से तुम्हारी ऊर्जा की भी बचत होगी। उस ऊर्जा को सोचने में लगाओ। गुरु कहते हैं कि शिष्यों, यह थे मानसिक रूप से मजबूत बनने के 8 नियम। अगर तुम सब यकीन के साथ इन 8 नियम का पालन अपनी जिंदगी में करते हो तो तुम मानसिक रूप से अवश्य मजबूत बनोगे। फिर कोई परेशानी, कोई भी रुकावट तुम्हारी जिंदगी में नहीं आने वाली है। कोई समस्या भी आएगी तो तुम उसका डटकर सामना भी कर पाओगे। सभी शिष्य गुरु की बात को सुनकर कि उनका कोटि कोटि नमन करते हैं और वे लोग समझ जाते हैं कि मानसिक रूप से मजबूत बनने के यह 8 नियम उनकी जिंदगी में कितने हितकारी साबित होने वाले हैं। वह सभी गुरु को प्रणाम करते हैं और उस दिन की शिक्षा भी पूरी हो जाती है। सभी लोग अपने आश्रम में चले जाते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताएं और अपने परिवार डॉट स्विंगल डोस्ट या आपके करीब इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस जना से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।